एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एंड दिस इज़ डॉक्टर मोना। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ में, जिसमें हम क्लास 11th की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 8 जो कि उस बुक का लास्ट चैप्टर है, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी के सारे चैप्टर्स, जो चैप्टर 1 प्री हिस्टोरिक टाइम्स के आर्ट एंड कल्चर से लेके जो हमने लास्ट चैप्टर किया था इंडियन ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर या स्कल्पचर, उसको आप ऑलरेडी इस चैनल पे देख सकते हैं। उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो सेपरेट बना दी गई है और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। आप चाहें तो वहाँ पर जाके उन वीडियोस को भी कवर अप कर सकते हैं। इन वीडियोस में जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है उसको वर्ड बाय वर्ड इतने डिटेल में कवर किया गया है कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे पीडीएफ्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका पैटर्न इस बुक का जो है वो कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक का आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मतलब है इंडिया का खुद का आर्किटेक्चर और इस्लामिक, यानी कि जो मुस्लिम शासक यहाँ आए थे वो जो आर्किटेक्चर के आइडियाज़ लाए थे उनको मिलाकर जो आर्किटेक्चर का एक नया तरीका या एक नया स्टाइल उभरा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड ग्रुप है उसमें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 का, यूपीपीसीएस मेंस 2018 का पेड ग्रुप, और इसमें जीएस प्लस एसए प्लस हिंदी भी है। इसके बाद सोशल वर्क, डिफेंस स्टडीज़ और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के भी पेड ग्रुप हम कवर कर रहे हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पेड ग्रुप से कुछ फ़ायदे होंगे आपको, जिसमें आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, वॉइस मैसेजेस मिलेंगे, कुछ स्पेशल पीडीएफ्स कुछ टॉपिक्स की होंगी और आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के पेड ग्रुप को जल्दी ज्वाइन करें और हमें मैसेज कर लीजिए। तो चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। 7th और 8th century CE में इस्लाम भारत और स्पेन आ चुका था। इस्लाम भारत में कई सारे ऐसे मुस्लिम मर्चेंट्स, यानी कि कई ऐसे व्यापारी थे जो भारत में लाए, कई साधु संत थे, कई ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, तो इनके थ्रू इस्लाम भारत में आया ओवर अ पैसेज ऑफ 600 ईयर्स, यानी कि 600 साल में ऐसा होता रहा। ऑल्दो 8th century के समय में मुसलमानों ने सिंध और गुजरात में कई ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अगर मैं लार्ज स्केल के कंस्ट्रक्शन की बात करूं, यानी कि बड़े स्तर पर जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो अर्ली 13th century में ही स्टार्ट हुई। अर्ली 13th century में ही तुर्की जो थे वो भारत, उन पर उन्होंने कब्ज़ा किया था। देखिए, मोहम्मद गोरी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि वो यहाँ पर अटैक किया था उन्होंने, फिर वो चले गए और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ गए थे, एंड ही बिकेम अ रूलर ऑफ तुर्किश स्टेट इन इंडिया। तो जब इन्होंने यहाँ पे रूल किया, अपना रूल एक्सपैंड किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे बिल्डिंग एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई थी। 12th century के आते आते इंडिया ऑलरेडी कई सारे मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन से फैमिलियर हो चुका था। कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत पॉपुलर हुई थी इस्लामिक आर्किटेक्चर की, जैसे कि ट्रेबिएशन, ब्रैकेट्स, मल्टीपल पिलर्स जिसमें एक फ्लैट छत को सपोर्ट किया जाता था, या फिर किसी एक डोम जिसे कहते हैं सेमी सर्कुलर गुंबद, उसको सपोर्ट किया जाता था। मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ कि ट्रेबिएशन और ब्रैकेट्स क्या होते हैं। इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, पहले हम राइट साइड की पिक्चर देखेंगे। ट्रेबिएशन में क्या होता है कि बीम यूज़ की जाती है आर्किटेक्चर के कंस्ट्रक्शन में। इसमें हम ना ही आर्च यूज़ करते हैं। आर्च जो है वो आजकल आपको पता ही होगा, जितने भी आपने मॉन्यूमेंट्स विजिट किए हैं, चाहे ताजमहल हो चाहे वो दिल्ली का पुराना किला हो, आर्चेस देखने को मिलती ही हैं। लेकिन पहले आर्च नहीं थी, पहले ट्रेबिएशन होता था जिसमें बीम यूज़ किए जाते थे। और ये जो नीचे पिक्चर है देखिए, इसमें जो लंबे होते हैं ये तो वर्टिकल वाले जो होते हैं इनको पोस्ट कहते हैं, और ये जो फ्लैट ऊपर होता है इसे लिंटल कहते हैं। तो ओवरऑल इस टेक्निक को ट्रेबिएशन टेक्निक कहते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स भी यूज़ होते थे। ये जो आपको लेफ्ट साइड में पिक्चर दिख रही है ये एक तरह का ब्रैकेट है। ये देखिए उस समय की पिक्चर तो नहीं है, ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाई है कि ब्रैकेट्स कहते किसे हैं। तो ये जो फ्लैट रूफ होती है और इसका जो पिलर होता है उसके बीच में एक तरह से सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। तीसरा है मल्टीपल पिलर्स, यानी कि कई सारे पिलर्स लगाए जाते थे, इस तरह से पूरी की पूरी छत को या फिर जो डोम है उसको सपोर्ट किया जाता था। कई सारी आर्चेस को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता था। आर्चेस बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन थी शुरुआत में, लेकिन ये जो आर्चेस थी जो लकड़ी की और पत्थर की बनती थी, ये पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसके वज़न को नहीं झेल पाती थी। इसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर में देखने के मिल रहा होगा आर्चुएट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए, आर्चुएट शब्द जो है वो आर्क से लिया गया है। मैं आपको जब विहार और वो पढ़ा रही थी
चैत्य, तो उस समय मैंने आपको आर्कुएट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन समझाया था, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये जो आर्च बनाई गई है इसी को आर्कुएट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। पहले क्या था, ये जो आर्कुएट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये धीरे धीरे आने लगी ट्रेबिएशन के बाद, लेकिन हुआ क्या कि ये आर्कुएट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रही थी ज़्यादा वजन को, इस तरह की आर्चेस को हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ा वॉशर्स और कीस्टोन के साथ। वॉशर्स किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो पूरी आर्च दिख रही है इसमें सबसे सेंटर का जो पत्थर होता है कीस्टोन पत्थर, इसको कहते हैं, और ये जो साइड में पत्थर होते हैं जो लेटरल थ्रस्ट क्रिएट करते हैं एक तरह से, जिनको साइंस पता होगी, तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि ऊपर का वजन ये झेल सके। तो वॉशर्स लगाने से क्या हुआ, ये ब्लॉक्स आपस में इंटरलॉक हो गए और वजन को सपोर्ट कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि जो डोम्स, ये जो आपको गुंबद ऊपर से दिख रहे हैं, डोम्स जो हैं वो पेंडेंटिव्स और स्क्विंचेस के ऊपर लगाए गए थे। इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस वो कवर कर पाए और जो इंटीरियर था वो पिलर से फ्री हो गया। यानी कि देखिए, जो भी हम ऐसे कंस्ट्रक्शन करते थे हर जगह पिलर लगाना संभव नहीं है, अगर पिलर से सपोर्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली जगह घेरेगा, तो उससे उसकी ब्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो डोम्स हैं इनके नीचे पेंडेंटिव्स, ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं इनको पेंडेंटिव्स कहते हैं, और दूसरी पिक्चर में जो आपको ये ब्राउन दिख रहे हैं ये स्क्विंचेस होते हैं। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गया इन स्ट्रक्चर्स के नीचे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस करेंगे इस जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है इसके बारे में, कि जब मुस्लिम्स भारत आए तो उन्होंने यहाँ के लोकल कल्चर को भी, यहाँ के जो भी लोकल कल्चर में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, यहाँ का जो भी ट्रेडिशन था उसको भी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरह से कई तरह के स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, स्टाइलाइज्ड शेप्स और कई सारी ऐसी सरफेस की जो हम डेकोरेशन, जो सजावट करते थे, जिस टेक्निक से बिल्डिंगें बनाते थे, वो सारी की सारी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की गई, कुछ रिजेक्ट की गई, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको मॉडिफाई कर लिया गया। इस तरह से जो मिश्रण तैयार हुआ उसी को कहते हैं इंडो सैरेसनिक या फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को इंडो सैरेसनिक भी कहते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। ई बी हेवल के द्वारा बताया गया है कि क्योंकि हिंदूज जो हैं वो अपने रिलीजियस फेथ में जो भी उनकी धार्मिक धारणा है उसमें मानते हैं कि भगवान हर जगह हैं और उसके कई सारे फॉर्म्स हैं। यानी कि जैसे हम हिंदू हो के विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम और लक्ष्मण, हनुमान, यानी कि कितनी फॉर्म्स में भगवान को पूछते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर, यानी कि ओमनीपोटेंट है, भगवान हर जगह है। लेकिन मुस्लिम्स में क्या है, उनके रिलीजियस फेथ में माना जाता है कि भगवान एक है और वो मानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को उनका भगवान। तो इस तरह से जो मुस्लिम्स थे उन्होंने खुद का ही एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्टाइल डेवलप किया, जिसमें उन्होंने अरबेस्क यूज़ किया, ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज़ किए, कैलीग्राफी करी प्लास्टर और स्टोन पे। इन शब्दों के बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, मैं अभी बताती हूँ अरबेस्क, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, कैलीग्राफी क्या होता है। यहाँ पर देखिए आप पिक्चर में अरबेस्क समझाया गया है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है राइट साइड में इसी को अरबेस्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डेकोरेशन की जाती है सरफेस की और इसमें लीनियर पैटर्न बनाए जाते हैं, कई जगह पे इंटरलेसिंग यानी कि आपस में लाइनें काट रही हैं, डिज़ाइन एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस तरह से ये जो डिज़ाइन है आपको, ये एक एग्जांपल है अरबेस्क का। दूसरा कैलीग्राफी, कैलीग्राफी होता है जो लिखावट है उसको एक डिज़ाइन की फॉर्म में बनाया जाना। तो ये नीचे जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है ये एक तरह की कैलीग्राफी है। तो मैंने बात की थी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में अरबेस्क, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, कैलीग्राफी प्लास्टर और पत्थर दोनों पर की जाती थी। तो अब हम आते हैं टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रक्चर्स पे, किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स थे। कई सारी रिलीजियस और सेकुलर बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं या कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉस्क यानी कि कुछ मस्जिद बनाए गए जहां प्रेयर्स की गई, जामा मस्जिद बनाए गए, जामा मस्जिद बहुत सारे हैं भारत में जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, टॉम्स बनाए गए, दरगाह बनाए गए, मीनार बनाए गए जैसे कि कुतुब मीनार, चार मीनार, हमाम्स बनाए गए, हमाम होते हैं जो बाथ लेने के लिए पूल्स बनाए जाते हैं, और ये गार्डन्स में जो भी राजमहल होते हैं उनमें बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे गार्डन्स बनाए गए, मदरसे बनाए गए, सराय बनाए गए जो भी ट्रैवलर्स होते हैं उनके आराम करने के लिए। तो ये सारी ये सेकुलर बिल्डिंग में आता है जो सराय होते हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए नहीं बना है। जैसे कि मस्जिद तो मुस्लिम जाएंगे प्रेयर करने, लेकिन सराय में कोई भी ठहर सकता है। तो सेकुलर बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं, कारावान सराइज भी और कोस मीनार एक्सेट्रा। तो ये सारे ही सारे भी बनाए जाने लगे। ये जो भी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो चाहे पूरे वर्ल्ड में हो, तो ये जो बिल्डिंग्स थी ये वेल्दी पीपल यानी कि कुछ अमीर लोगों ने बनाई थी। इनमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो कई सारे रूलर्स, राजा महाराजा रह चुके थे, नोबल्स रह चुके थे, कई सारे राजा के परिवार थे जिन्होंने इनको बनवाया, कई सारे व्यापारी थे, कई रूरल एलीट
जो यानी कि गांव के जो बड़े लोग थे उन्होंने बनवाया, और कई सारे भक्त भी थे जिन्होंने इनको बनवाया। ये जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जिसमें चाहे वो मॉस्क हो यानी कि मस्जिद हो या फिर कोई मीनार्स हो या फिर कोई सेकुलर बिल्डिंग ही सराय जैसी क्यों ना हो, ये डिपेंड करती थी कि उस जगह पे किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है या किस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता, या फिर वहाँ के जो कलाकार हैं वो किस तरह की स्किल्स में एक्सपर्ट हैं, वो उस तरह की कलाकारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिल रही है, तो भले ही यहाँ पर धर्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर लिबरल आर्किटेक्चर भी देखने को आपको मिलेगा, यानी कि सब धर्मों को कहीं ना कहीं मिलाकर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं जो हर किसी को एकोमोडेट कर सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उसको आप चार पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है इंपीरियल स्टाइल, दूसरा है प्रोविंशियल स्टाइल, तीसरा है मुगल स्टाइल और चौथा है डेकानी स्टाइल। सबसे पहला जो इंपीरियल स्टाइल है, इंपीरियल स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो दिल्ली सल्तनत ने बनवाया था। जो भी रूलर्स और उनकी जो महारानियाँ थी जिसे बनवाती थी वो इंपीरियल स्टाइल होता है। प्रोविंशियल स्टाइल में क्या होता है, जो प्रोविंसेस में बनवाया जाता है जैसे मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर, इसके एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स हैं। मुगल स्टाइल के आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली, आगरा और लाहौर में। फिर उसके बाद डेकानी स्टाइल यानी कि जो डेक्कन की कुछ एरियाज थे उनका एक जो स्टाइल था वो था बीजापुर और गोलकोंडा में देखने को मिलता है। प्रोविंशियल स्टाइल्स में सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है बंगाल और जौनपुर में। गुजरात में जो आर्किटेक्चर पाया गया है उसमें जो रीजनल कैरेक्टर है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं वो वहाँ के टेंपल ट्रेडिशन से भी लिए हैं, यानी कि वहाँ के मंदिरों में जिस तरह का आर्किटेक्चर होता था उससे कई सारी चीज़ें बोरो की हैं, जैसे कि तोरण, लिंटल्स इन मेहराब्स। देखिए मेहराब क्या होता है, मेहराब एक तरह का सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो मस्जिद में होता है, ये किबला की तरफ इशारा करता है। किबला यानी कि जो मक्का में काबा है उसकी डायरेक्शन बताता है, इसी वजह से जो भी नमाज़ पढ़ने जाता है मस्जिद में वो उसका जो फेस होना चाहिए वो इसी की साइड होना चाहिए कि मक्का की तरफ वो प्रेयर कर रहा है। फिर उसके बाद बेल यानी कि घंटियाँ और चेन के डिज़ाइन बनाना, फिर उसके बाद पेड़ों का पिक्चर बनाना या फिर टोम बनाना या फिर मस्जिद या फिर दरगाह को बनाना, तो इस तरह से वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेहराब की यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है किलाए कूना मस्जिद की है दिल्ली की। यहाँ पे मेहराब ड्रॉ किया गया है जो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरी आर्च है इसके टॉप पे होता है, यही डायरेक्शन को बताता है। इसके बाद हम जानेंगे कि 15th सेंचुरी में एक दरगाह बना था जो वाइट मार्बल से बना था, ये था शेख अहमद खट्टू ऑफ सरखेज। ये बहुत ही यूनिक है, यहाँ आप देख रहे होंगे वाइट मार्बल का, आज तक आपने ताजमहल तो देखा होगा, इस स्ट्रक्चर को भी देखिए ये कितना यूनिक तरीके से बनाया गया है। ये प्रोविंशियल स्टाइल का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये मुगल टॉम से काफ़ी ज़्यादा उसकी डेकोरेशन से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरह से ये जो दरवाजे बने आर्च स्टाइल में बने हैं, जालियाँ देखने को मिल रही होंगी जो हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से उनका मुगल स्टाइल में कंस्ट्रक्शन किया जाता था। अब हम देखेंगे डेकोरेटिव फॉर्म्स, डेकोरेशन किस तरह से किया जाता था जो भी बिल्डिंग्स थी। देखिए कहा जाता है इसमें कि जो भी डेकोरेशन थी वो प्लास्टर के ऊपर की जाती थी, चाहे वो इंसीजन से या स्टक्को से। इंसीजन होता है जिसमें कटिंग की जाए प्लास्टर की, और स्टक्को होता है कि जिसमें ये भी एक तरह का प्लास्टर होता है जिसे ऐड करके डिज़ाइन बनाई जाती है। ये जो डिज़ाइन थे या तो प्लेन बनाए जाते थे या इनको रंगों से भर दिया जाता था। कई सारे मोटिव्स देखने को मिलते हैं, मोटिफ का मतलब भी डेकोरेशन ही होता है, तो इसमें भी कहा जा रहा है कि या तो पेंट कर देते थे या पत्थर पर बनाए जाते थे। इसमें या तो आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे, चाहे वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्लावर्स हो या फिर बाहर के, तो पर्टिकुलरली ईरान के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो दीवारें हैं उनको सिप्रेस, चिनार और कई सारे और भी पेड़ों से या फिर फ्लावर वास से डेकोरेट किया जाता है। तो जो ये भी मुस्लिम्स बिल्डिंग्स आप देखते हैं, इस्लामिक बिल्डिंग्स देखते हैं, इसमें आपको कभी भी ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई एनिमल बना हुआ नहीं दिखेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लिविंग बीइंग्स को फॉरबिड किया गया था, वहाँ नहीं बनाए जा सकते थे, इसीलिए फ्लावर्स का यूज़ होता था या फिर पेड़ों को बनाया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे लोटस बर्ड फ्रिंज। ये जो आपको नीचे पिक्चर दिख रही है ये है लोटस बर्ड फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है एक तरह की एक लगातार जो लाइन चली जा रही है। लोटस बर्ड फ्रिंज का मतलब होता है कि कमल का फूल जब वो कली की फॉर्म में होता है, पूरा खिला नहीं होता है, उस तरह से बहुत सारी कलियाँ बनाई गई हैं लाइन से। तो ये आप आर्च में गौर से देखिए, इधर नीचे से शुरू की गई है और बनती चली गई है आर्च के सेंटर में, फिर उस बार यहाँ तक एंड हो रही है। तो ये जो भी आर्च होती थी उसके इनर कर्व पर बनाई जाती थी। ये जो एग्जाम्पल आप पिक्चर में देख रहे हैं ये दिल्ली के पुराना किले का है,
इसके बाद आपको और भी फ्लावर मोटिव्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे वो सीलिंग्स पे हो, टेक्सटाइल यानी कि कई कपड़ों पे बनाया जाना, कारपेट पे बनाया जाना। 14th, 15th, 16th सेंचुरीज में टाइल्स भी यूज़ करी जाने लगी दीवारों पे और डोम्स के ऊपर। कई सारे रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन सबसे पॉपुलर कलर जो यूज़ होते थे वो थे ब्लू, टर्कोइज। टर्कोइज एक तरह का ग्रीनिश कलर है, ग्रीनिश ब्लूइश, और उसके बाद ग्रीन और येलो। तो ये चार कलर बहुत ही पॉपुलर कलर थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, ये आप याद रखेगा, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। टेसिलेशन की टेक्निक्स को भी यूज़ किया जाता था। टेसिलेशन में क्या होता है, मोज़ेक डिज़ाइन बनाए जाते हैं। अगर मैं साफ भाषा में कहूँ तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं जिनको मिला के एक डिज़ाइन बनाई जाती है। तो एक तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे गोलाई में खूब सारे सर्कल्स हो, उनको जोड़ के एक डिज़ाइन बना दिया जाता है। पेट्रा ड्यूरा में क्या होता है, ये कट एंड फिट टेक्निक होती है। यहाँ पर जो भी मार्बल, स्टोन या प्लास्टर जिसकी भी हम बात करें, उसको कट किया जाता है, उसके अंदर एक स्टोन फिट कर दिया जाता है, उसे कहते हैं पेट्रा ड्यूरा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये एकदम फ्लैट सरफेस था, इस पर कटिंग की गई, फिर इसके अंदर स्टोन से इसको डेकोरेट किया गया है। ये आगरा में पेट्रा ड्यूरा वर्क जो किया गया है उसकी पिक्चर है। इसके बाद बताया गया है जो भी सरफेस डेकोरेशन थी, पर्टिकुलरली डैडो पैनल्स ऑफ द वॉल्स, यानी कि डैडो पैनल्स को डेकोरेट किया जाता था। आपने आज भी अपने घरों में देखा होगा, जो दीवारें हैं उसका सबसे निचला हिस्सा जो होता है उस पे टाइल्स बना के कुछ डेकोरेट किया जाता है, उसी तरह से उस समय भी डैडो पैनल्स जो थे उनको डेकोरेट किया जाता था। ये जो राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आगरा में किस तरह से वहाँ की दीवारों के निचले भाग को डिज़ाइन किया गया है वो दिखाया गया है। इसके बाद लैपिस लजूली भी यूज़ होता था, ये एक तरह का ब्लू जेमस्टोन आप मान सकते हैं, एक पत्थर है, इसको इंटीरियर वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। और भी कई तरह के डेकोरेशन देखने को मिलते हैं, जैसे अरबेस्क। अरबेस्क मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, कैलीग्राफी यानी कि जो उर्दू भाषा है उसको डिज़ाइन से लिखा जाना एक आर्ट की फॉर्म में, और हाई एंड लो रिलीफ कार्विंग यानी कि बहुत ही हाई रिलीफ कार्विंग और निचली रिलीफ पे कार्विंग की जाती थी। जाली जो थी उनका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था बढ़ चढ़ के। नीचे पिक्चर में जो आप देख रहे होंगे ये है आमेर फोर्ट जो जयपुर में है। आमेर का ये जो किला है इसके अंदर जो जाली का काम किया गया है इतना खूबसूरत और इतना डिटेल्ड वर्क है, इसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हाई रिलीफ कार्विंग का जो लुक था वो थ्री डायमेंशनल लुक था। आर्चेस जो थी, जो भी आर्च बनाई जाती थी वो प्लेन या फिर कई बारी स्क्वाड शेप की होती थी, कई बारी बहुत ही ज़्यादा हाई होती थी और कई बारी पॉइंटेड शेप की होती थी। 16th सेंचुरी के बाद से जो आर्चेस थी उनका जो डिज़ाइन था वो चेंज होता चला गया। वहाँ पर ट्रिफॉयल और मल्टीपल फॉयलेशन देखे जाने लगे। आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ट्रिफॉयल और मल्टीपल फॉयलेशन क्या होते हैं। पहली पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये है मल्टीपल फॉयलेशंस। यहाँ पे आपको ये जो आर्च है इसमें कई सारे यू शेप के पैटर्न बने हुए दिख रहे होंगे। ये जो डिज़ाइन है ये एक फॉयलेशन होता है और यहाँ मल्टीपल फॉयलेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी के बगल में देखिए तो ये है ट्रिफॉयल आर्च। ये एक ऐसी आर्च है जिसमें तीन तरह की एक गोलाई के एक तरह से फॉयल बने हुए दिख रहे हैं आपको, फॉलिएट, तो इसे कहते हैं ट्रिफॉयल आर्च। इसके बाद बताया गया है कि जो आर्चेस थी उनको मेंडेलियंस और बॉसेस से डेकोरेट किया जाता था। बॉस मतलब होता है कोई ऐसी नॉब बना देना या उठी हुई पत्थर की या लकड़ी की कोई ऐसी डिज़ाइन। तो साफ साफ ये देखिए, इतनी डिटेल में यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा कि आर्च के ऊपर क्या क्या बना होता था, बट यस ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रिफॉयल और मल्टीपल फॉयलेशंस की आर्चेस थी क्या ये 16th सेंचुरी के बाद आई थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस पे ही फोकस करने की ज़रूरत है, बॉस क्या होते हैं या फिर मेंडेलियंस क्या होते हैं ये इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद रूफ़ के बारे में बताया गया है। रूफ़ में एक सेंट्रल डोम होता था और कई बारी एक सेंट्रल डोम और बाकी के छोटे छोटे डोम्स उसके आसपास होते थे। छतरीज बनी होती थी, छोटे छोटे मीनार बने होते थे। जो सेंट्रल डोम था उसके ऊपर एक इन्वर्टेड लोटस का फ्लावर का डिज़ाइन बना होता था। आप यहाँ पर पिक्चर में ध्यान से देखिए, जो तीसरी पिक्चर है आपको यहाँ पर ये एक टोम का सबसे ऊपरी हिस्सा है यानी कि जो सेंट्रल डोम होता है इसके ऊपर एक तरह से आपको दिख रहा होगा कमल का फूल उल्टा रखा हुआ है, इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है, खुद ही सोचिए आप। हमने अब तक जितनी भी टेंपल आर्किटेक्चर पे वीडियोस देखी उसमें हमने जब भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी वहाँ पे हमें लोटस के कई सारे मोटिफ देखने को मिले थे, कई सारी पेंटिंग्स भी देखने को मिली थी। तो इन्वर्टेड लोटस जो है वो हिंदू ट्रेडिशन या फिर हिंदू धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ है और ये पाया कहाँ गया है इस्लामिक आर्किटेक्चर में, तो इसीलिए इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इन बिल्डिंग्स की जो दीवारें थी वो काफ़ी थिक यानी कि चौड़ी होती थी। जो ये दीवारें थी ये रबल मैसनरी यानी कि जो मटेरियल वहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेलेबल था उसकी बनाई जाती थी। वॉल्स के ऊपर लाइमस्टोन प्लास्टर या फिर चूना, इससे
कवर किया जाता था या फिर कोई एक तरह का पत्थर है उससे डिज़ाइन बनाया जाता था। यहाँ पर कई तरह के पत्थर अवेलेबल थे जिससे ये बिल्डिंग बनाई जाती थी, जैसे कि क्वार्ज़ाइट, सैंडस्टोन, बफ, मार्बल, तो कई तरह के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। पॉलीक्रोम टाइल्स यानी कि जो कई सारे कलर्स की टाइल्स हैं उनको यूज़ किया गया है दीवारों को फिनिशिंग देने के लिए। लेकिन 17th सेंचुरी की शुरुआत से ईंटों का भी यूज़ होने जाने लगा। ब्रिक्स जो थी उनको जब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाने लगा तो उससे जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, यानी कि आप खुद ही सोचिए जो चट्टान है उसको काटेंगे तो एक हद तक काट सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए, लेकिन ईंटों से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में बना सकते हैं। इस तरह से जो लोकल मटेरियल था उस पर लोगों की डिपेंडेंस बढ़ती चली गई क्योंकि उसी का वो मेनली इस्तेमाल करते थे। अब हम आते हैं फोर्ट्स पे, यानी कि जो किला होता है। कई सारे किलों के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। ये सिंबलाइज करती है जो राजा होता है उसकी सीट को। अगर कोई आर्मी दूसरे रूलर की अटैक करती है किले के ऊपर तो इसका मतलब होता है कि ये जो किले का रूलर है, जो राजा है, वो अपनी सीट अब उसको दे देगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जो किलों के हैं, जो फोर्ट्स के बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, वो है चित्तौड़ का जो किला है, ग्वालियर, दौलताबाद, और इसे पहले कहते थे देवगिरी, और लास्ट में है गोलकोंडा फोर्ट। तो इनमें से दो फोर्ट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जो है ग्वालियर फोर्ट और दौलताबाद फोर्ट को। कहा जाता है ये जो किले बनाए जाते थे इनकी हाइट्स बहुत ही ज़्यादा हाई रखी जाती थी। मेनली इसका पर्पस ये होता था कि कोई भी इस पर अटैक ना कर सके या ऑक्यूपाई ना कर सके, क्योंकि मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि रूलर जो था उसकी जो पावर का ये साइन होता था। ये जो हाइट्स थी इसकी कई सारे एडवांटेज भी होते थे, सिक्योरिटी रीजंस होते थे, क्योंकि ये जो किले थे ये एक राजा के पावर का साइन होता था, तो डेफिनेटली वहाँ की जो जनता है उसके लिए राजा की रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो ये किले तो मैसिव बनाने ही थे। कई और कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे जो गोलकोंडा फोर्ट है उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिलते हैं। सपोज़ देखिए ये गोलकोंडा फोर्ट है, इसके चारों तरफ और ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। इससे क्या होता था, जो फोर्ट है उस तक पहुंचने के लिए जो शत्रु है उसको बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी, इतना इजी नहीं है फोर्ट के अंदर एंटर करना। दौलताबाद का जो किला है, जो फोर्ट है, उसमें भी कई सारे स्ट्रेटेजिक डिवाइस लगाए गए थे। उसकी एंट्रेंस को स्टैगर्ड बनाया गया था। स्टैगर्ड का मतलब होता है कि जो एक रेगुलर तरीका होता है किसी बिल्डिंग के अंदर घुसने का वो नहीं था, काफ़ी ज़्यादा इररेगुलर और एक तरह से आप कह सकते हैं अचंभित करने वाले रास्ते बनाए गए थे। इससे क्या था, जो हाथी थे उसके भी इस्तेमाल अगर किया जाए तो आप इस किले के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसमें ट्विन फोर्ट्स हैं, एक के अंदर एक है लेकिन जो दूसरा है वो हायर एलिवेशन पे है और काफ़ी अच्छा डिफेंस डिज़ाइन बनाया गया है। इस पिक्चर को पहले तो आप ध्यान से देखिए, ये है दौलताबाद फोर्ट, कितना ज़्यादा मैसिव इसका डिज़ाइन है और इसकी जो वॉल्स है काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बनाई गई हैं, इतना इसका एंट्रेंस तक ढूंढना आसान नहीं होता है। एक भी अगर गलत टर्न ले लिया कॉम्प्लेक्स के रास्ते में तो जो सोल्जर है वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है या फिर वो एक गहरी खाई में जाके मर सकता है। ग्वालियर फोर्ट देखते हैं। ग्वालियर का जो किला है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में बना हुआ है, यहाँ पर भी एंटर करना ईजी नहीं है। इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, यानी कि इस पे जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम एंगुलेशन पे बनी हुई है। बाबर ने कई सारी चीज़ें देखी भारत में, उसे कुछ ऐसा खास नहीं लगा, लेकिन वो जब ग्वालियर फोर्ट देखा तो अचंभित रह गए। इसके बाद है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो है फोर्ट, यानी कि जो किला है, वो एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट माना जाता है और अब तक की सबसे ज़्यादा समय तक वो सीट ऑफ पावर रह चुकी है। यहाँ पर कई तरह की बिल्डिंग्स पाई गई हैं, जैसे जो स्तंभ थे या टावर थे। इसमें क्या होता था कि कहीं किसी भी जगह पे जो रूलर था अटैक करके आता था तो उस विक्ट्री का जश्न मनाने के लिए एक स्तंभ बनाता था या टावर बनाता था, तो ये उसको सिग्निफाई करते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे हैं। वहाँ पर कई सारी वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिलती हैं और उनकी जो हीरोइज़म की कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और उसको काफ़ी यूनिक करती हैं। इसके बाद है मीनार। मीनार देखिए एक तरह का स्तंभ होता है या टावर होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई रूलर कहीं अटैक करके आता था तो उस विक्ट्री को दिखाने के लिए एक मीनार या स्तंभ बनाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कारण था, ये भी काफ़ी सारे बनाए गए थे। सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग मीनार जिसके बारे में हम बात करेंगे और मिडिवल टाइम के हैं, वो है कुतुब मीनार दिल्ली का और चार मीनार दौलताबाद फोर्ट का। अगर हम एवरीडे यूज़ देखें मीनार का, तो मेनली उसका काम ये था कि अजान के लिए, यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए जो बुलाया जाता था लोगों को, उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसकी जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और इसी की हाइट जो थी मीनार की वो बताती थी कि वहाँ के रूलर की कितनी ज़्यादा पावर है।
कुतुब मीनार को कुतुब मीनार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुब मीनार 13 सेंचुरी की बिल्डिंग है जो 234 फीट हाइट की है, काफ़ी टेपरिंग यानी कि नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली होती जा रही है। इसकी 5 मंजिलें हैं। जो मीनार है वो पॉलीगोनल है और कई जगह पे सर्कुलर शेप का भी आपको दिख रहा होगा। ये रेड एंड बफ सैंडस्टोन का बना हुआ है, एक तरह का पत्थर होता है ये। इसमें कई जगहों पे मार्बल भी यूज़ हुआ है जो अपर पार्ट है उसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था लेकिन सिर्फ बेसमेंट ही बना पाए थे। इसके बाद इल्तुतमिश ने बाकी के 3 मंजिलें बनाए थे और जो लास्ट का आपको 5th फ्लोर आपको दिख रहा है ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं किया है, आप याद रखेगा एग्जाम में यूपीएससी इस तरह से पूछ सकती है कि उसका जो लास्ट एंड जो है कुतुब मीनार का लास्ट स्टोरी किसने बनवाया था। नेक्स्ट हम आते हैं चांद मीनार पे। ये 15 सेंचुरी की बिल्डिंग है जो 210 फीट हाइट की है। ये भी टेपरिंग है, मैंने आपको बताया था नीचे से चौड़ी है ऊपर से पतली होती जा रही है। इसके भी 4 मंजिलें हैं। इसको अब पीच कलर से पेंट कर दिया गया है लेकिन पहले इस पर शेवरॉन पेंटिंग थी। शेवरॉन पेंटिंग नीचे जो आपको ग्रे कलर के जिगजैग पैटर्न दिख रहा है इसे शेवरॉन पैटर्न कहते हैं। तो शेवरॉन पैटर्न से इसको बनाया गया था, कई सारे टाइल वर्क किया गया था और कुरान के जो वर्स हैं यानी कि कुरान के कुछ आयत इस पर लिखे गए थे। ऑल्दो देखने में ये एक ईरानियन मॉन्यूमेंट है लेकिन इसको बनाया गया था यहाँ के जो लोकल आर्किटेक्ट थे जो दिल्ली के थे और ईरान के आर्किटेक्ट थे। इसके बाद हम देखेंगे टॉम्स किस तरह से बनाए जाते थे और कौन से फेमस टॉम्स हैं। टॉम्स यानी कि जो मकबरे होते हैं, जो उनके ग्रेव्स होते हैं रूलर्स के, उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था। कई सारे टॉम्स फेमस हैं जैसे गियासुद्दीन तुगलक का जो टॉम था, हुमायूंस, अब्दुल रहीम खानिन खानन, अकबर का और इत्मियादुद्दौलत का टॉम। एंथनी वेल्च के द्वारा कहा गया है कि टॉम के बिहाइंड क्या आइडिया था, यानी कि ये मकबरे बनाने के पीछे ये आइडिया था कि जो भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, यानी कि जो डे ऑफ जजमेंट माना जाता है कि जिस दिन फैसला होता है व्यक्ति के मरने के बाद उसको पैराडाइज यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। नेक्स्ट आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे इत्मादुद्दौला का टॉम्ब है आगरा में। ये जो टॉम्ब है इसको बेबी ताज भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से ताजमहल बना है मार्बल से उसी तरह से ये भी बनाया गया है। यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती है कि इसे किसने बनवाया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिएगा नूरजहां ने बनवाया था जो जहांगीर की रानी थी अपने पिता मिर्ज़ा ग्यास बेग के लिए। इसको जो टाइटल है वो दिया गया था इत्मियादुद्दौला यानी कि पिलर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर कुरान के कुछ ऐसी आयत थी जो लिखी जाने लगी दीवारों पर और जो टॉम्स थे उनको पैराडाइसियल एलिमेंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे स्वर्ग का अनुभव कराने वाली कैसी चीज़ें आसपास बनाई गई थी, जैसे कि गार्डन बनाया जाना, आसपास पानी की वाटर बॉडीज़ बनाना, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाना जैसे ताजमहल के केस में बने थे। तो मकबरों के आसपास ये चीज़ें बनाई जाती थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर और स्टाइलाइज्ड स्पेसेस को यूटिलाइज़ किया गया है। इससे सिग्निफाई होता है कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में शांति और खुशियां अगले जन्म में जाके भी बनी रहें और ऑल्सो उसका जो साइज इतना बड़ा इसलिए बनाते थे ताकि उसकी पावर और स्ट्रेंथ दिखाई जाए जिसको भी वहां पे दफनाया गया है। जो सराय होते थे वो काफ़ी साधारण स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लान पे बने होते थे। ये जो सराय थे ये टेम्पररी एकोमोडेशन देते थे यानी कि परमानेंटली वहाँ लोग नहीं रह सकते थे। यहाँ पर भारतीय से लेके जो विदेशी ट्रैवलर थे और जो भी तीर्थ यात्रा करने वाले लोग थे या फिर जो भी व्यापारी थे वो सब यहाँ रुक सकते थे। सराय एक तरह की पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ रुक सकता था। इसी वजह से यहाँ पे क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन देखने को मिलता है यानी कि विभिन्न धर्म के लोग आपस में मिलते जुलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका था क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन का। इसके बाद है स्ट्रक्चर्स फॉर कॉमन पीपल। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर बनाए गए जो आम लोग जिसे यूज़ कर सकते थे, जो राजा ने नॉन रॉयल सेक्शन ने बनवाया था सोसाइटी के। इसमें कई सारे मंदिर आते हैं, मस्जिद आते हैं, खानकाह, दरगाह, कई सारे गेटवे आते हैं बड़े बड़े जो मैसिव बनाए गए थे। फिर उसके बाद कई सारी बिल्डिंग्स, गार्डन्स और बाजार हैं। इसके बाद हम जानेंगे जामा मस्जिद के बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कई सारे वहाँ पे मस्जिद बनाए जाते थे। वहाँ पर हर फ्राइडे आफ्टरनून को सब लोग मिलके नमाज़ पढ़ते थे। इसमें देखिए मिनिमम मस्जिद के अंदर 40 मुस्लिम जो मेल एडल्ट्स हैं वो एकोमोडेट होने चाहिए, यानी कि 40 ऐसे मुस्लिम मर्द वहाँ एकोमोडेट हो जाएँ, इतनी जगह होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं का वहाँ जाना मना है, आपको पता ही होगा। तो ऐसे टाइम पर जब प्रेयर्स पढ़ी जाती थी, खुतबा पढ़ा जाता था रूलर के लिए यानी कि जो
वहाँ का जो राजा होता था उस एरिया का, उसके लिए खुतबा पढ़ा जाता था और उसके लॉज भी वहाँ पे पढ़े जाते। मिडिवल टाइम में हर शहर में एक जामा मस्जिद होती थी और उसी के इर्द गिर्द, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उसका जीवन उसी के इर्द गिर्द चला करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सारी जो कमर्शियल यानी कि जो व्यापार होता था और कल्चरल एक्सचेंज होता था वो इन्हीं रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था। जनरली जो मस्जिद होती है उसके सामने एक खुला मैदान होता है। ये जो मस्जिद है उसके एंटर करने के बाद आपको एक गैलरी की तरह रास्ता दिखेगा जिसपे लोग वॉक करते हैं, इसी को कहते हैं क्लॉयस्टर्स, और तीनों साइड से क्लॉयस्टर्स से ये जुड़ी होती है। इसके बाद वेस्ट की साइड में देखा जाए तो किबला लिवान होता है। किबला मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो डायरेक्शन होती है मक्का की तरफ की जो होती है, और जिस तरफ आपको जो प्रेयर होती है, नमाज होती है, उसी तरफ मुँह करके पढ़नी होती है। इसके बाद बताया गया कि जो मेहराब और मिंबार जो था इमाम के लिए वो यहीं लोकेटेड है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेहराब क्या है। मेहराब जो होती है आर्च की शेप की होती है और उसी पे वो किबला बना होता है जिसकी तरफ डायरेक्शन करके आपको प्रेयर करना है। मांडू के बारे में अब हम जानेंगे। मांडू जो है, ये जो जगह है, ये एक्सेलेंट एग्जाम्पल है प्रोविंशियल स्टाइल के आर्किटेक्चर की। ये आप केयरफुली देखिए, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक भी दिख रही होगी। अब हम जानेंगे मांडू शहर के बारे में। देखिए, मांडू एक एंशंट सिटी है मांडव एरिया की, जो मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये इंदौर से 60 माइल्स दूरी पर है और इसकी जो हाइट है वो है 2000 फीट। इसको अगर हम नॉर्थ में देखें तो मालवा प्लेट्यू है इसके नॉर्थ में, और साउथ में इसके नर्मदा की घाटी है। मांडू का जो नेचुरल डिफेंस है, यानी कि जिस तरह से ये बिल्डिंग या फिर ये कंस्ट्रक्शन किया गया है शहर का, इस पे परमार राजपूत रह चुके हैं, अफगान और मुगल्स भी इस पे राज कर चुके हैं। जब गौरी डायनेस्टी भारत में आई थी तो ये उसकी कैपिटल बना था गौरी डायनेस्टी का, 1401 टू 1561 में, जिसे फाउंड किया था होशांग शाह ने। मांडू एक बहुत ही पॉपुलर शहर रह चुका है। इसमें एक कहानी बताई जाती है बाज बहादुर और रानी रूपमती की, उससे जुड़ा है ये, और मुगल्स यहाँ पर मानसून टाइम में आराम करने आते थे। मांडू जो है एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मिडिवल पीरियड में जो प्रोविंशियल स्टाइल का आर्किटेक्चर किया जाता था। यहाँ पे आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा, चाहे वो रेजिडेंशियल यानी कि रहने का स्थान हो, या फिर आराम करने का प्लेजर पैलेस हो, या फिर बाउलीज बने हो जहाँ पे पानी को कंजर्व किया जाता है, आर्टिफिशियल रिजर्वायर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका जो साइज़ है वो इतना मैसिव है और इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, इसके बावजूद ये नेचर के काफ़ी करीब है, यानी कि जो प्रकृति है उसके काफ़ी करीब है जिस तरह से इसको बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे लगातार लाइट आती जाती रहती है और हवा के आने जाने का अच्छा इंतज़ाम है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बिल्डिंग है इसमें गर्मी नहीं है, यानी कि हीट को ये रिटेन नहीं करता है। वहाँ पे जो पत्थर यूज़ किया गया है वो लोकल है, मार्बल का भी यूज़ किया गया है। और मांडू एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से बिल्डिंग को बनाना चाहिए, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स कैसे बन सकती हैं। रॉयल एनक्लेव जो मेन बिल्डिंग है शहर की, वो सबसे ज़्यादा कम्प्लीट सेट ऑफ बिल्डिंग है और उसके दोनों तरफ दो आर्टिफिशियल लेक्स बनी हुई हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर एक हिंडोला महल पाया गया है, ये बिल्कुल रेलवे वायडक्ट ब्रिज की तरह बना हुआ है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये जो बिल्डिंग है ये है हिंडोला महल। देखिए, ये जो हिंडोला महल है इसको कहा गया है कि ये रेलवे वायडक्ट ब्रिज की तरह है, यानी कि रेलवे का जिस तरह से जो पुल होता है जिससे ट्रेन गुजरती है, उस तरह के ये पुल की तरह बना हुआ है। और नीचे कई सारे पिलर्स की तरह, जैसे उनको सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पिलर्स की तरह स्ट्रक्चर बनाया गया है। हिंडोला महल का शब्द जो शाब्दिक अर्थ है वो है स्विंगिंग पैलेस, यानी कि झूलता हुआ महल। यहाँ पर माना जाता है कि जो हिंडोला महल था वो राजा का मेन दरबार था, जिससे वो लोगों से या जनता से इंटरेक्शन करते थे, उनसे बातचीत करते थे। ये भी होशांग शाह ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं कि हिंडोला महल किस लिए यूज़ किया जाता था या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो याद रखिएगा ऑडियंस चेंबर था ये। इसके बाद मांडू में एक जहाज़ महल भी देखने को मिलता है। नीचे पिक्चर में मैंने जो दिखाया वो जहाज़ महल है। यहाँ पर भी दुमंजिला एक तरह से शिप पैलेस बना हुआ है, और यहाँ पर दो रिजर्वायर आपको, यानी कि दो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी आपको देखने को मिल रही होगी। बालकनीज भी हैं और एक तरह से छत भी बनी हुई है। तो इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जहाज़ महल कहाँ पर है, मांडू में है, किस स्टाइल का प्रतीक है ये, तो याद रखिएगा प्रोविंशियल स्टाइल का प्रतीक है और मालवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। इसको भी सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और इसको वो हरेम की तरह यूज़ करते थे, और यहाँ पर वो अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। हरेम का मतलब होता है कि जहाँ पर अपनी रानियों को वो रखते थे। इसके बाद रानी रूपमती का भी यहाँ पे एक महल देखने को मिलता है, डबल पवेलियन का है ये, और ये सदर्न साइड में है। यहाँ से नर्मदा वैली बहुत ही क्लियर दिखती है।
इसके बाद आपको एक मदरसा दिखेगी जो अशरफी महल जिसे कहते हैं, लेकिन अब उसके कुछ ही शेष बचे हैं, ज़्यादा उसका कुछ बचा नहीं है, काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद मांडू में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉम्ब यानी कि मकबरा देखने को मिलता है, वो इन्हीं का है, होशांग शाह का। होशांग शाह ने ये जो मकबरा बनवाया है जिसकी पिक्चर हम आगे जाके अभी देखेंगे, यहाँ पे एक डोम यानी कि गुंबद तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मार्बल से जाली का काम किया गया है, कोट बनाए गए हैं, टावर बनाए गए हैं, यानी कि मीनार का भी यहाँ पर वर्णन है। इसके बाद देखा गया कि ये जो पूरी होशांग शाह का टॉम्ब है ये अफगान के स्ट्रक्चर्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर ब्रैकेट्स भी देखने को मिलते हैं जो आपने मैंने पिक्चर में दिखाए थे, तोरण भी है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है और इस्लामिक आर्किटेक्चर का काफ़ी अच्छा आपको यहाँ उदाहरण दिखेगा। होशांग शाह का टॉम जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, किस तरह से नीचे देखिए सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर एक गुंबद सा दिख रहा है आपको, डोम दिख रहा है सेंट्रल, सामने से आर्च भी दिख रही होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जामा मस्जिद ऑफ मांडू। जामा मस्जिद भी है मांडू में, मैंने आपको बताया था जामा मस्जिद भारत में कई जगह पर है, ये भी लार्ज स्केल पे बनी थी, ये मेनली फ्राइडे आफ्टरनून में जो नमाज पढ़ी जाती है उसके लिए बनवाई गई थी। बिल्डिंग जो है वो लाल पत्थर यानी कि रेड सैंड स्टोन से बनी है। यहाँ पर भी किबला लिवान है और जो प्रार्थना करने का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ब्रैकेट्स भी देखने को मिलेंगे, मिहराब भी है और लोटस बर्ड फ्रिंज भी है, जो देखिए जब भी आप इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आएगा मेंस में भी, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड जो मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, एराबेस्क, टेसलेशन वर्क, मिम्बार, किबला लिवान, मिहराब, लोटस बर्ड फ्रिंज, इनको बार बार पिक्चर से दिखा रही हूँ मैं इसलिए ताकि आप जब एग्ज़ाम में इन पर आंसर्स लिखें तो ये कीवर्ड्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, जिससे आपका आंसर और अच्छा हो सकता है या एक एग्जामिनर को इंप्रेशन पड़ सकता है कि आपको इस टॉपिक की पूरी नॉलेज है, तो इन शब्दों का प्रयोग आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का देखेंगे वो है ताजमहल। इसी का जो सेंट्रल डोम आप देख रहे हैं, इसी की पिक्चर को मैंने जूम करके थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसमें इन्वर्टेड लोटस दिख रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हिंदू रिचुअल्स का पार्ट है जो लोटस होता है, और वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल माना जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको पता ही होंगी ताजमहल के बारे में। ताजमहल को आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था और उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए मकबरा बनवाया था। ये जो टॉम्ब है ये चारबाग स्टाइल में है। चारबाग का मतलब होता है, अगर आप वर्ड्स के थ्रू जाएंगे तो, चार बाग यानी कि फोर गार्डन्स। तो एक बड़े से गार्डन को चार गार्डन्स में डिवाइड किया गया है। क्रिस क्रॉस रास्ते बनाए गए हैं, पास ही में पानी का कोई अरेंजमेंट है, साथ ही में फाउंटेन्स हैं, पूल्स हैं, तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया जो मकबरे थे वो इसी तरह से बनाए जाते, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी मकबरे थे वो इसी तरह से बनाए जाते थे, जो एक तरह से सिग्निफिकेंस था पैराडाइज का आफ्टर डेथ। जो मेन बिल्डिंग है ताजमहल की, उसके ऊपर एक ड्रम और डोम्ब है, उस पर चार कुपोलास बने हुए हैं। वेस्ट की तरफ देखा जाए तो रेड सैंडस्टोन का एक मस्जिद है और उसी तरह ईस्ट में भी बना हुआ है, जिससे पूरा का पूरा कहते हैं ताजमहल जैसा सिमेट्रिक बिल्डिंग शायद ही भारत में कोई और है। मार्बल जो यूज़ किया गया है वो राजस्थान की मकराना माइन से लिया गया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। जो वाइट एडिफिस यूज़ किया गया है उसको रेड सैंडस्टोन से ब्यूटीफुली मर्ज किया गया है। चार तरह के एम्बेलिशमेंट यूज़ किए गए हैं ताजमहल में, चाहे उसकी इंटीरियर सरफेस थी या बाहरी सरफेस थी, उसको इस तरह से डेकोरेट किया गया है। ताजमहल के बगल में जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये कैलीग्राफी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहाँ पर आपको ताजमहल में कई सारी स्टोन कार्विंग्स दिखेंगी, जालीज का काम दिखेगा, अरबेस्क दिखेगा, पेट्रा ड्यूरा जिसमें मैंने बताया था कट करके जो जेम स्टोन या फिर जो भी स्टोन होते हैं उनको ऐड करके डिजाइन बनाई जाती है। टेसलेशन देखने को मिलेगा, कैलीग्राफी मिलेगी, कुरानिक वर्सेस को लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि जो कुरान की आयत थी उनको लिखा हुआ मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे वो है गोल गुंबद का। ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको चार मेन पिलर्स दिख रहे होंगे, सेंटर में एक सेंट्रल डोम है और इसके जो दरवाजे हैं वो आर्च फॉर्म में हैं। थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं हम। गुंबद जो है वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये भी मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का, 1626 टू 1656 इन्होंने रूल किया था। ये आदिल शाही डायनेस्टी के सेवंथ सुल्तान थे जो बीजापुर में थे, इन्होंने खुद ये मकबरा बनवाया था। जो ये मकबरा है इसमें कई सारी बिल्डिंग्स आती है, इसमें एक बड़ा सा गेटवे है, एक नक्कार खाना है, एक मस्जिद है और सराय भी बना हुआ है।
कारखाना का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से ड्रम वगैरह को बजाते थे ये लोग, जिससे सेरेमनीज या कोई भी ऐसी रिचुअल होता था उस समय इसको प्ले किया जाता था। नकार का जो लिटरल मीनिंग होता है वो यही होता है, ड्रम्स को बजाना। फिर इसके बाद गुंबद के बारे में बताया गया कि ये एक स्क्वायर बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक सर्कुलर ड्रम है, बड़ा सा एक डोम है उसके ऊपर, और इसी वजह से इसे गोल गुंबद कहा जाता है। फिर ये बना है डार्क ग्रे बेसाल्ट से और इस पर प्लास्टर वर्क भी किया गया है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम कुछ MCQs प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हम ये जानेंगे कि क्या हमें ये चैप्टर कितना समझ में आया है। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। पहला सेंटेंस है, द मेन एलिमेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चेज एंड बीम्स एंड आर्क्विट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में ये जो सेंटेंसेस दिए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहले सेंटेंस का अर्थ है कि आर्चेज और बीम्स को जब ऐड किया गया तो जो इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका मेन जो एलिमेंट है वो यही है कि इसमें आर्च और बीम्स ऐड किए गए, आर्कवेट स्टाइल का कंस्ट्रक्शन किया गया। सेकंड सेंटेंस है, द इस्लामिक स्टाइल केप्ट अवे फ्रॉम द इंडियन स्टाइल एंड डिडंट इनकॉर्पोरेट एनी ऑफ इट एलिमेंट्स। इस्लामिक स्टाइल ने इंडियन स्टाइल से कुछ भी नहीं लिया और उसके कोई भी एलिमेंट्स को अडॉप्ट नहीं किया, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक कहते हैं क्योंकि इसने इंडियन एलिमेंट्स को भी ऐड किया था अपने आर्किटेक्चर में। तो इसका आंसर रहेगा वन ओनली। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पहला गार्डन टॉम भारत में जो बना था वो कौन सा था, विच वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम बिल्ड इन इंडिया। इसके चार ऑप्शन है, सिकंदर लोधी टॉम दिल्ली, सेकंड है हुमायूं टॉम दिल्ली, थर्ड है ताजमहल आगरा और डी है बीबी का मकबरा औरंगाबाद। इसका आंसर है ए, सिकंदर लोधी टॉम इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें भी दो सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला है, गुंबद इज सिचुएटेड इन बीजापुर, इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यानी कि गुंबद जो है वो कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड सेंटेंस है, मौसलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, यानी कि ये मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का जो आदिल शाही डायनेस्टी के हैं। तो दोनों के दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, अभी हमने इस टॉपिक को करा था। कुछ मेंस के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप चाहें तो घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अभी से लिख के रख लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में ये आंसर बहुत काम आएगा जब आप रिविजन काम कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इंडो इस्लामिक और इंडो सैरासनिक आर्किटेक्चर, हाउ डज दिस आर्किटेक्चर इवॉल्व इन इंडिया। यानी कि इंडो इस्लामिक और इंडो सैरासनिक आर्किटेक्चर का अर्थ क्या है, ये आर्किटेक्चर भारत में कैसे इवॉल्व हुआ। सेकंड है, नेम फोर स्टाइल्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। थर्ड है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फोर्ट इन मिडिवल इंडिया, व्हाट वर द स्ट्रेटेजिक डिवाइसेस अडॉप्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट टू कन्फ्यूज और डिफीट द एनिमी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच फॉर्म्स ऑफ सेकुलर आर्किटेक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स। किस तरह का सेकुलर आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ था मिडिवल पीरियड में, इसका क्या सिग्निफिकेंस था, इन बिल्डिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस था लोगों के जीवन में। तो ये फोर क्वेश्चंस आप चाहें तो लिख सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस को इसी तरह से देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जुड़ जाइए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन और आसान हो सके। तो इसी तरह से हम वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।